अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर की तरफ से आया है रिगार्डिंग सिलेक्शन लिस्ट नंबर 1 एंड 2, यानी कि जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन ऑनर्स 3+1 में हुई थी और जिनकी सिलेक्शन इंटीग्रेटेड 5 ईयर में हुई थी, उनके लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम में जुड़े नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए नोटिफिकेशन में क्या मेंशनड है, जिन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन जो है इंटीग्रेटेड या ऑनर्स में हुई है उनमें से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने एडमिशन नहीं किया है एफिलेटेड कॉलेजेस में, क्योंकि उसकी लास्ट डेट जो थी किसी की 27, किसी की 28, इस तरह से चलती आ रही थी जो भी लास्ट डेट थी, तो उसको यहाँ पे फिलहाल जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्सटेंड कब तक किया गया है, यहाँ पे एक्सटेंड जो है वो 30 जुलाई, यानी कि कल शाम 4 बजे तक आपको टाइम दिया गया है। जिस कैंडिडेट ने अभी तक एडमिशन नहीं किया है किसी भी एफिलेटेड ब्रांच में, तो वो कल जल्दी से जल्दी चला जाए वहाँ पर अपना एडमिशन करवा दे, क्योंकि कल 4 बजे फिर एडमिशन प्रोसेस क्लोज होगी, फिर एक्सटेंड नहीं होगी और आपकी सिलेक्शन जो है यहाँ पे, आपका सिलेक्शन तो हो गया लेकिन आपका एडमिशन फिर यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक एडमिशन नहीं किया है, जिसको जो भी कोर्स अलाट हुआ है, जो भी एफिलेटेड ब्रांच आपको अलाट हुई है, तो आपको जाना है कल 4 बजे से पहले पहले अपनी ब्रांच में, वहाँ पर अपना एडमिशन करना है। और एडमिशन के टाइम आपको 3500 रुपये, यानी कि 3500 रुपये वहाँ पर फी जो है वो पे करना पड़ेगी। उसके साथ 10-12 की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, करेक्टर और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको लगने वाली है। बाकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट मैंने ऑलरेडी आपको बोला था वो वहां पे नहीं लगती है और ना ही वो यहां पे लगेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की तरफ से आया था रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस कल शाम तक एक्सटेंड कर दी गई है, तो जिन्होंने एडमिशन नहीं किया वो कर दीजिए।